जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। यह साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 12 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाएं कुछ कहूँ इससे पहले रिक्वेस्ट करूँ आपसे, सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होके ऊपर बेल बटन आएगा, बेल बटन पर क्लिक करेंगे तो ये चैनल की सारी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। अब जानते हैं इस सप्ताह में होने वाली घटनाएं। 12 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि में अहोरात्र, 13 तारीख को संकष्टी चतुर्थी है और चंद्रोदय रात्रि 9:03 पर हो जाएंगे तो आप अपना व्रत उपवास छोड़ सकते हैं। बुध मकर राशि में सुबह 11:35 पर प्रवेश करेंगे। 14 तारीख को सूर्य मकर राशि में देर रात प्रवेश करने वाले हैं और धनुर्मास समाप्ति है, इसलिए 15 तारीख को होगी मकर संक्रांति। पुण्यकाल सूर्योदय से सूर्यास्त तक रहेगा। 16 तारीख को किंक्रांत है, करी दिन है। 17 तारीख को मासिक कालाष्टमी है और इसके बाद कोई घटना असरकारक नहीं है इस सप्ताह में होने वाली। 12 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि में अहोरात्र, इस सप्ताह में जो मुख्य ग्रह चेंज हो रहे हैं वो है सूर्य मकर राशि में और बुध जो है वो भी मकर राशि में, मतलब बुध आदित्य योग बनाते हैं। आइए जानते हैं मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। मेष राशि, दो दिन आपको घरेलू सुख, आपके घर से आपको आनंद, माता से सपोर्ट और साथ में अगर वाहन वगैरह खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। तबीयत अच्छी है और फिर भी परिवार में झगड़ा कलह क्लेश विवाहित जीवन में ना करें। मकर में बुध सूर्य के कारण आपके काम 24 तारीख तक जितने बनते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह से रिलेटेड, काम से रिलेटेड वो बना लीजिए। पैसे विवाहित जीवन के सपोर्ट से आपको आते रहेंगे और ये पैसे आप यूज़ भी कर सकते हैं अपने घरेलू आनंद के लिए या परिवार से सपोर्ट के लिए। आपके लगातार अच्छे योग आ रहे हैं काम के और काम को ग्रैब करना अभी ज़रूरी है 24 तारीख तक। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी शुक्र स्वस्थ है दशम में और आपको तरह तरह के काम ऑफर हो रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी से, आपके मीडिया से रिलेटेड काम बन रहे हैं, आपके जो बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार हैं वो बन रहे हैं और बुधादित्य योग होने के कारण आपको अभी तरह तरह के ऑफर्स भी आ रहे हैं। घरेलू साज सज्जा में बेफजूल में पैसे चले जाएंगे, लेकिन पढ़ाई वगैरह में अगर आप सोचते हैं पैसे लगाने हैं तो लगाइए। आपके मांगलिक योग बन रहे हैं, उस वजह से आप गुस्सेल, चिड़चिड़े या वैवाहिक जीवन में डोमिनेशन को ना यूज़ कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी तबीयत अब स्वस्थ होने जा रही है, लेकिन अपने किसी भी प्रकार के रसौली, पेट में गांठ या कोई भी अन्य तरह की सिस्ट, इसको अवॉइड मत कीजिएगा। परिवार में भ्रमित स्थिति है, इसके लिए आप कर सकते हैं शिव जी की आराधना, काले तिल डाल के शिव जी को चढ़ा सकते हैं। मिथुन राशि, आपके लग्न का स्वामी अष्टम में होने के कारण तबीयत थोड़ी रहेगी नासाज और आप बेचैन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मन और बुद्धि के कारण आप अपनी तबीयत और अपनी स्थितियों को संभाल लेंगे। आपके बच्चों से है सपोर्ट आपको इन दिनों और आपका जो आलस बढ़ रहा है या तबीयत किसी वजह से आपकी ख़राब है तो उसमें जो 10 दिन है अब आप एंजॉय कीजिए। उसके बाद विशेषकर अपनी हड्डी, दांत, स्कल, आंखें, स्पाइन, इन सब चीज़ों का और अपने कागजात वगैरह सरकारी दरबारी संभाल के रखिएगा। अभी फ़िलहाल आपके विरोधियों का हो रहा है दमन और बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार बन रहे हैं। कर्क राशि, आपके बुधादित्य योग सन्मुख बनने से अगर आपको कोई काम बनाना है पार्टनरशिप से रिलेटेड या कोई अन्य काम जिसमें आपके विवाहित जोड़े साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो काम बन जाएगा। अभी बच्चों से रिलेटेड जो आपको परेशानी थी वो ख़त्म हो गई है, वो भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हो और दोनों मिलके पराक्रम आपका बढ़ा हुआ है, गुस्सा भी बढ़ा हुआ है। अपने अंदर अंदर गुस्सा पीने की स्थिति को बंद कीजिए और काम पे लगिए। शुक्र के अष्टम में कारण आपकी माता की तबीयत का ध्यान रखना, घरेलू सुख सुविधाओं से आपका वंचित होना ये कार्ड्स पर नज़र आता है। सिंह राशि, आपके चतुर्थ में मंगल आपकी मांगलिक स्थिति बनाते हुए आपको भाग्य से रिलेटेड परेशानी तो देता है, लेकिन माता से सपोर्ट होने के कारण
आपके काम बनते हैं, आपके जो घरेलू हेल्पर्स के साथ उनको झगड़ा करना, गुस्सा करना ठीक नहीं रहेगा, नहीं तो बेकार में आपके काम बिगड़ेंगे। आपके बुधादित्य योग षष्ठ में बनने के कारण विदेश रिलेटेड काम बन सकते हैं और हो सकता है आपको फ़ायदा, लेकिन सारा का सारा पैसा लोन देने में ना गुजर जाए, ये आपको ध्यान रखना है। आपके माइंड की स्थिति अच्छी और आगे चल के और अच्छी होगी। धार्मिक होंगे आप, सात्विक होंगे, और अगर आप कोई व्यसन करते होंगे तो वो व्यसन छूट जाएगा। पैसे की स्थिति भी अच्छी है और ये पैसे की स्थिति आगे भी आते सितंबर तक अच्छी रहेगी। बीच बीच में आएगा पैसा, बीच बीच में तंगी हो सकती है। कन्या राशि, आपके लग्न का स्वामी स्वस्थ होकर पंचम में बैठने के कारण अब आप बेहतर फील कर रहे हैं अपने बच्चों के विषय में, अपने विषय में, कार्य के विषय में। अपने पिता से रिलेटेड जो आपकी भ्रमित स्थिति थी अब दूर होगी, और उनके विचारों से अगर आपके विचार नहीं मिल रहे थे तो वो विचार भी मिलेंगे। आपके काम बनते हैं लेकिन आक्रामक स्वरूप से आप उसको बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर धन रुकता है और अटक जाते हैं काम बीच में। थोड़ा सा वेट कीजिए, आधे एक से डेढ़ महीने में ये बेटर होंगे। और अभी फ़िलहाल आज और कल के दिन आप पैसों के लिए ट्राई कर सकते हैं, पैसे आपको मिल जाएंगे और पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद भी सुलट सकते हैं। तुला राशि, आपके लग्न का स्वामी शुक्र स्वस्थ है माइंड पर बैठा। आपको अपनी पर्सनालिटी, अपने काम, मीडिया से रिलेटेड अपना जो भी धंधा है उसके विषय में ज़्यादा सूझ रही है। धन का कोई अभाव नहीं, धन है आपके पास, लेकिन विवाहित जीवन में अगर कलह क्लेश है तो याद रखिए सामने वाला इंसान ज़्यादा डोमिनेटिंग होकर आपकी बात टूटे ना, इस बात का ध्यान रखना है। उनसे सपोर्ट लेकर उनसे धन लाभ करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी जो आपके पैसे वगैरह, काम वगैरह जो भी रुके हुए हैं, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जो भी आपको काम करना है उसमें अपनी माँ की सलाह और पिता की सलाह लेनी चाहिए, जिससे आपके काम या आते दो दिनों में बैंकिंग रिलेटेड हों या शेयर मार्केट से रिलेटेड हों बन जाएंगे। शनि के चतुर्थ में आने के बाद स्थिति बदलेगी, तब तक 10 दिन एंजॉय कीजिए अपनी स्थिति, आने वाले काम एक्सेप्ट कीजिए। वृश्चिक राशि, आपके लग्न में बैठा मंगल आपको करता है पराक्रम से भरपूर। बहुत सारे काम बनाते हैं आप और बहुत सारा सपोर्ट भी पाते हैं। आपको अपने प्रेम संबंधों से रिलेटेड जो परेशानी है उसमें थोड़ा सा आपको ये देखना है कि अगर घर वाले नहीं बोलते कोई काम करने तो जांच पड़ताल कीजिए कि आप कहीं गलत तो नहीं जा रहे। और अगर विवाहित जीवन में भी परेशानी है तो थोड़े दिन रुकना है आपको, बाद में स्थिति अच्छी होगी। अभी अपनी तबीयत को संभालते हुए और कोई भी ऐसा काम न करते हुए जिससे आपकी तबीयत ख़राब हो आपको आगे बढ़ना है। आपकी वाणी में जो कटुता है और परिवार के प्रति जो कड़वापन है वो हटेगा थोड़ा आगे चलकर। और अभी फ़िलहाल अपने कागज़ पत्र या आप किसी सरकारी नौकरी में हैं तो उसे संभालिए। धनुराशि, धनुराशि के लिए लग्न में बैठा गुरु अब आपके सेहत को करता है स्वस्थ, और आने वाले दिनों में आपको धन लाभ भी होगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपके काम बढ़ेंगे। अभी भी आपको धन लाभ के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। ये शनि जो लग्न में बैठा था उसके लेजीनेस की वजह से आपने कई काम छोड़े हैं जो कि गलत है, और माइंड जो है वो आपका खूब चल सकता है अगर विदेश रिलेटेड कामों में चलाएँ और प्रेम संबंधों में थोड़ा सा स्पेस दे के अभी फ़िलहाल काम पर तवज्जो दें, क्योंकि काम ज़्यादा ज़रूरी है इन दिनों। आप पैसे बटोर सकते हैं। आते दो दिन उदासी हो सकती है आज और कल में। इस उदासी से बचने के लिए शिव जी की आराधना, ज़्यादा पानी पीना आपके लिए अच्छा रहेगा। मकर राशि, मकर राशि के लग्न का स्वामी जो है शनि द्वादश में बैठा था बट जल्द ही आने वाला है लग्न में, लेकिन सूर्य के साथ फिर घमासान मचाएगा, तबीयत खराब करेगा। इसलिए अभी से 10 दिन पहले से ही अपने तबीयत का ध्यान रखना शुरू कीजिए, एक्सरसाइज, डॉक्टर से सलाहें ले लीजिए। और अभी फ़िलहाल जो आपको सूझ रहा है काम के विषय में, उस काम को आगे बढ़ाते हुए कोई भी कर्ज ना लीजिए, ना दीजिए, और अपने काम को आगे बढ़ाइए। अपने परिवार से आपको सपोर्ट है काम के लिए और उनके सपोर्ट से आपको धन लाभ भी है, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड लाभ है और बड़े भाई बहनों से भी लाभ है। बच्चों से रिलेटेड जो परेशानी थी वो सॉर्टेड है और अब आप अपना भी पढ़ाई अध्ययन आगे बढ़ा सकते हैं। कुंभ राशि,
लग्न में बैठा शुक्र आपको बनाता है रोमांटिक और ये स्थिति आपको एन्जॉयमेंट देती है। आपके राहु बैठने की वजह से माइंड पे व्यसन ना लगे, कोई गलत आदतें ना पड़ जाएं, इसका ध्यान रखिए। और अभी आपके माइंड का स्वामी भी द्वादश में बैठा है तो ये आदतें जल्दी लगने के योग हो सकते हैं। आप अपने आप को बचाते हुए थोड़े दिनों का इंतज़ार कीजिए, आपका व्यवसाय की ओर ध्यान लगेगा, अध्ययन की ओर ध्यान लगेगा। और फिलहाल जो विवाहित जीवन में कोई कलह क्लेश है या प्रेम संबंधों में, तो उसको संभालने की कोशिश कीजिए। आते कुछ दिनों में आपका टेस्टिंग पीरियड होगा और हो सकता है कि आपको परीक्षा देनी पड़े कड़ी अपने विवाहित जीवन में या अपने प्रेम संबंधों में। मंगल बैठकर दशम में स्टेट एजेंट्स हैं अगर आप, या जमीन जायदाद से रिलेटेड काम करते हैं या कोई नौकरी पेशे पर हैं, तो आपकी इंक्रीमेंट वगैरह दिखाता है और काम आपके बढ़ते हैं। मीन राशि, आपके लग्न का स्वामी जो है गुरु, अच्छी स्थिति में है, काम बढ़ाता है। अभी फिलहाल काम ऑफर हो रहे हैं, पैसे भी आ रहे हैं, लेकिन 10 दिन में ये चित्र बदलेगा। उससे पहले, ये चित्र बदलने से पहले आप अपने लोन्स वगैरह चुकता कीजिए, लोन्स ना लीजिए ना दीजिए। अपने माता और पिता दोनों की तबीयत का अभी फिलहाल ध्यान रखिए। बाद में 10 दिन बाद आपको कार्यों में अच्छा तो महसूस होगा, लेकिन आपको अपना पैसा कर्जों में देना लेना नहीं चाहिए, ये महसूस होगा। अपनी तबीयत का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए माहवारी या यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम स्त्रियों में है तो उसका भी ध्यान रखना है। आते कुछ ही दिनों में ये प्रॉब्लम भी सॉर्टेड होगी। जितने भी काम ऑफर हो रहे हैं उनको फिलहाल हाँ बोलिए, क्योंकि आते कुछ दिनों में पैसों के लिए हो सकता है कि बड़ी किचकिच हो और आप पहले पैसे को जो है फ्रीज करके रख लीजिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य। फिर मिलेंगे इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, बुध की स्थिति को अच्छा करें और पोल्यूशन घटाएं, वृद्धों की सेवा करें, इससे राहु शनि केतु की शांति हो जाती है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।